हेलो बच्चों, आज हम लोग अकार्बनिक लवण पोटेशियम ट्राईऑक्सलेट ऑफ फेरेट थर्ड के विरचन की विधि के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लेबोरेटरी में इस अकार्बनिक लवण का निर्माण किया जाता है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साफ बीकर लेंगे। ये साफ बीकर ले लिया है और इस साफ बीकर में लगभग 12.5 ml, देखिए लगभग 12.5 ml हम लोग क्या लेंगे, जल लेंगे। ये हमने ले लिया है। अब हम इसे गरम करेंगे। देखिए पानी को हम गरम करेंगे। देखिए पानी गरम हो रहा है, पानी इसे गरम करना है। कि पानी गर्म हो गया है। अब इस गर्म पानी में 3 ग्राम ऑक्सेलिक अम्ल, देखिए मैंने ऑलरेडी वेट कर रखा है, 3 ग्राम ऑक्सेलिक अम्ल डालेंगे और इसे अच्छे से घोलेंगे। देखिए 3 ग्राम ऑक्सेलिक अम्ल लेकर अच्छे से घोलेंगे। और इसे हल्का सा और गर्म करेंगे। देखिए गर्म हो गया है। अब देखिए बच्चों, इसमें हिलाते हुए 3.8 ग्राम, देखिए थोड़ा थोड़ा हम इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स डालेंगे हिलाते हुए। देखिए ये मैंने ऑलरेडी वेट करके ले रखा है। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये, हिलाते हुए अच्छी तरह डालेंगे। ये देखिए मैंने 3.8 ग्राम मैंने इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है। देखिए अच्छे से घुल गया है। देखिए अब इसमें 2.5 ग्राम फेरिक क्लोराइड, देखिए फेरिक क्लोराइड भी मैंने ऑलरेडी वेट कर रखा है। देखिए अच्छे से हिलाते हुए डालना है। ये देखिए 2.5 ग्राम फेरिक क्लोराइड मैंने इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से घोलना है। देखिए अब देखिए हम इसे छानेंगे एक दूसरे साफ बीकर में। देखिए हम इसे छानेंगे। देखिए देखिए इसको छानेंगे। देखिए ग्रीन कलर का, देखिए नीचे ये देखिए ग्रीन कलर का फिल्ट्रेट आ रहा है। इसे छानेंगे। देखिए छन रहा है ये। देखिए बच्चों ये छन चुका है। देखिए अब हमें ये ग्रीन कलर का, देखिए ग्रीन कलर का फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ है। अब हम इसे इस पोर्सिलेन में लेके इसे उबालेंगे। देखिए बच्चों इसे उबालना है। जब तक उबालना है जब तक कि इसमें क्रिस्टल बनना स्टार्ट नहीं हो जाए। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे रख देते हैं और अब इसे हम उबालेंगे। इसे जब तक उबालना है जब तक कि इसमें क्रिस्टल बनना स्टार्ट नहीं हो जाए। देखिए बच्चों इसे हल्का सा बीच बीच में हिलाते भी जाना है। ये देखिए उबल रहा है। देखिए इसे उबलने दीजिए और उबलने के बाद इसमें जो क्रिस्टल बनेंगे वही क्रिस्टल होंगे हमारे किसके, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेट ऑफ फेरेट थर्ड के। देखिए ये बॉईल हो रहा है धीरे धीरे। देखिए थोड़ा हम तेज कर देते हैं गैस को। अब देखिए बच्चों ये अच्छे से गर्म हो चुका है और देखिए सांद्रित हो चुका है। देखिए अच्छे से सांद्रित हो चुका है। देखिए बच्चों अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। देखिए अच्छे से शांतित हो गया है ये। अब इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे हम। और देखिए ठंडा होने के बाद जब हम देखेंगे तो इसमें देखिए क्रिस्टल बन जाएंगे। देखिए बच्चों देखिए बच्चों देखिए बच्चों देखिए ये सूख गया है और देखिए बच्चों क्रिस्टल बनना शुरू हो गए हैं। देखिए बच्चों क्रिस्टल बनना शुरू हो गए हैं। देखिए हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए बच्चों ये देखिए बच्चों ये क्रिस्टल बनना शुरू हो गए हैं। अब इसे हम जल और एल्कोहल के 1:1
के विलयन के साथ धोते हैं ताकि कोई बचा हुआ मात्र द्रव है तो वो भी बाहर निकल जाए, और जो ये क्रिस्टल है उन क्रिस्टलों को हम अच्छे से फिल्टर पेपर के बीच में रख के सुखा लेते हैं, और फिर हम इसका वेट ले लेते हैं, इनका वजन ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, देखिए कितने अच्छे क्रिस्टल बने हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इन्हें हम खुरच के अलग कर लेते हैं, देखिए धीरे धीरे खुरच के हम इनको अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे क्रिस्टल बन गए पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट के। देखिए क्रिस्टल मैं आपको बताती हूँ, देखिए बच्चों कितने अच्छे देखिए क्रिस्टल बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए बच्चों, ये पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट के देखिए बच्चों क्रिस्टल, देखिए ये अभी थोड़ा गीला है, जैसे ये सूखेंगे ये देखिए इनके क्रिस्टल बनना। ये देखिए बच्चों, देखिए कितने अच्छे देखिए इसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए हैं। देखिए देखिए खुरच के हम इसे अलग कर लेते हैं। ये देखिए देखिए, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों इस तरीके से हम पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट थड़ के जो क्रिस्टल है उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं लैब में। तो ये आपको समझ में आया होगा।